उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की 203 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए माफिया के 150 से ज्यादा चल अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। प्रशासन की कार्रवाई से पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने पहले भी पूर्व एमएलसी और उसके परिवार की 135 करोड़ रूपये की प्रॉपर्टी बरामद कर चुकी है। वहीं प्रशासन ने साथ ही सहारनपुर में बनी आलीशान कोठी को भी जमीन दोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाजी इकबाल अभी फरार चल रहा है, उसके ऊपर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। ये जनपद सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल व उसके परिवारजन व साथियों के विरुद्ध कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी, जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध ढंग से उनको खरीदा गया था। और ये सारी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर स्थित है जनपद में, जिनका की चिन्हीकरण किया गया है और इसकी जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। मैं इकबाल और बाला व इसका साथी दिलसाद वांछित अभियुक्त है, जो लगातार मुकदमा कायम होने के समय से अब तक फरार चल रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में इसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन हाजिर नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध कुर्की नोटिस जारी किया है, यदि अभी नियत समय पर ये हाजिर नहीं होते हैं तो इनके विरुद्ध चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।